दो पल प्यार के दो पल प्यार के प्यार के। हाय दिस इज बप्पी लहरी, आप लोगों का बप्पी दा वाचिंग पॉप बॉलीवुड। आई लव पॉप बॉलीवुड, आप लोग भी देखते रहिए पॉप बॉलीवुड। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Hi guys, मैं हूँ मोनिका, आप देख रहे हो पॉप बॉलीवुड। वेल, जब बॉलीवुड की सिंगर्स की बात आती है, जब 80s 90s के गाने आते हैं, तो सबसे पहले लोगों के जहन में एक ही इंसान आता है, द गोल्ड मैन। जी हाँ, इज नन अदर देन द लेजेंडरी सिंगर बप्पी दा इज हियर विद अस। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका, वेलकम। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। पॉप बॉलीवुड, या पॉप बॉलीवुड, नॉट हॉलीवुड, नो इट्स बॉलीवुड, पॉप बॉलीवुड, थैंक्स टू पॉप बॉलीवुड, थैंक यू। अच्छा तो सर, सबसे पहले आज ये मूवी का पोस्टर लॉन्च हुआ है, इसमें सारे आपके गाने हैं, तो ये मूवी को आप किस किस तरीके से देखते हैं? सबसे बड़ी बात जो है, ये गाने जब रिलीज हो जाते हैं बहुत जैसा लास्ट ईयर बद्रीनाथ की जिलोनिया रिलीज हुआ था, मैं तब लॉस एंजल्स में थे, आया भी नहीं। अक्षय कुमार नाम शबाना भी आया था, जुबी जुबी गाना था। ये पिक्चर में सबसे बड़ी क्या है, मैं इन्वॉल्व इंटरेस्ट इन्वॉल्व आप समझते हो ना, इसमें क्या होता है, एक आई फील दिस म्यूजिक जो मैंने नहीं बनाया, ऊपर वाला बनाया, गॉड ईश्वर अल्लाह, ये बन गया और बहुत ही अच्छा हो गया। मेरा हिसाब से पिक्चर का गाना अभी जो शुरू होगा, विद इन 10-15 डेज इट विल बी टॉप, जो है बहुत ही अच्छा होगा। आप ऑन बोर्ड कैसे आए इसमें? सबसे पहले जो डायरेक्टर है पार्थ घोष, वी आर टुगेदर लॉन्ग टाइम, थर्ड फिल्म रिलीजिंग नाउ, दलाल सुपर हिट पिक्चर, ट्रिपल प्लैटिनम डिस्क उधर ही लगा हुआ, फिर गीत आया दिव्या भारती, फिर मेरा आज रिलीज हुआ दो पल प्यार के का जो पोस्टर लॉन्च हुआ। मेरा सबसे पूछा है उनका, उन्होंने ही पार्थ घोष इनको लेके आए थे मंजू भारती जी को, तो एनीवे कुछ अच्छा, देखो पढ़ते दादा था मेरा एक अच्छा ट्यूनिंग है तो अच्छा हो गया। देखो कोई कोई पिक्चर कोई होता क्या, जो भी पिक्चर मैंने किया दो पिक्चर उसका म्यूजिक सुपर हिट था, और ये तो और भी बड़ा हिट होगा। वो तो दो पल प्यार के जो टाइटल सॉन्ग सैड वर्शन एंड हैप्पी वर्शन, बोथ आर फैंटास्टिक, बोथ। एंड मंजू भारती शी इज अ वेरी, मैंने होता ना एक अच्छे इंसान एंड अच्छे को दिल से काम किया, और मुकेश जो हीरो है बहुत ही अच्छे नेचर का है, और काम बहुत अच्छा किया। मैंने गाना देखा, वंडरफुल गाना लिखा दीपक जी, दीपक्स ने बहुत अच्छा गाना लिखा, और माय सन बप्पा लहरी हैज प्रोग्राम जो म्यूजिक प्रोग्राम किया है, तो टोटली लगता है इंटरनेशनल सॉन्ग। जो अरमान मलिक ने जो गाना गाया दो पल प्यार के, इससे आप सुनेंगे लगेगा कुछ हॉलीवुड में बैठ के रिकॉर्डिंग, इतना रिच है। और एक गाना अभी आ रहा है इस पिक्चर का, एक पार्टी दम दम दम, पार्टी दम दम दम, वेरी कैची, जो आजकल का जो चल रहा है नाइट क्लब डांस, लाइक ये तमा तमा स्टाइल का गाना है, बस वो आप देखेंगे। अभी तो दो पल प्यार के टाइटल सॉन्ग ही जाएंगे सब जगह में भेज दिया होंगे, लेकिन पार्टी दम 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 भी आ रही है तो जल्दी। जब जूने गाने आते थे उसके बाद जो अब आजकल का दौर ऐसा है कि हर मूवी में कोई ना कोई एक फेमस जूना गाने को रिक्रिएट करता है, तो कोई किसी के हिसाब से वो अच्छा होता है, किसी के हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जूने गाने हैं क्या उनकी ओरिजिनलिटी खो रही है? गाना तो सब लोग ही रिमिक्स तो हो ही रहे, पर मेरा गाना 20 साल पहले भी नया था, आज भी नया है। कोई भी गाना आप रिमिक्स गाना गाओ, जिमी जिमी आजा आजा, ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से हमको दिया, पार्लियामेंट से हमको अवार्ड दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ लंदन, जिमी जिमी आजा आजा एक ही गाना है जो 45 कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज, रशियन, चाइनीज, ब्राज़ीलियन, स्पेनिश, आर्मेनियन, सब जगह में, बुल्गारिया, तो अभी भी चल रहे हैं गाना, ऐसा नहीं है जो 83 में रिलीज हुआ था
जिसको डांस, अभी भी ये गाना चल रहा है। कुछ गाना मेरा है जो कभी पुराना नहीं हुआ, वो सभी मैंने गाना गाया था, उलाला रेड हिस्ट्री लेटेस्ट डर्ट पिक्चर गुंडे दुनिमारी एंट्री सुपर हिट सॉन्ग, और मैं बहुत सारा पिक्चर में अभी प्लेबैक किया। लेकिन अपना गाना जो एक होता नहीं, अपना गाना जो एक बन जाता है, इसमें दो पल प्यार के मेरे हिसाब से ये साल का बेस्ट मेरी गाना है। दादा जैसे कि आपने अभी कहा कि आपके गाने ऑलरेडी आ चुके थे लेकिन अब आपके गाने आ रहे हैं, तो बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया था जब हमने आपको देखा नहीं, आपके गाने जल्दी मतलब जूने गाने थे लेकिन नए आप सुनाई नहीं देते, तो वो नहीं मेरा तो साल में एक गाना ऑलवेज कम टू 2012 से टैक्सी नंबर 911, उसके बाद आया गुरु ए आर रहमान का गाने मैंने गाया था, उसके बाद आया गोलमाल अगेन भी आया मैं डिस्को डांसर, एवरी ईयर 100 करोड़ का बिजनेस का एक गाना आया, उलाला आया, डर्टी पिक्चर गुंडे आया। तो ये साल का कौन सा से 100 करोड़ का आपको लगता है गाना? 100% तो बल प्यार की। लेकिन अगर आपको आपका ही कोई गाना रिक्रिएट करने फिर से मिला, आपका ही कोई भी गाना, तो आप कौन सा गाना? बहुत सारा गाना है, बहुत गाना है। अभी देखिए मेरा एक बहुत बड़ा पिक्चर शुरू हो रहा है, बायोग्राफी ऑफ अटल, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से, वो ऑलरेडी म्यूजिक मेरा काम चल रहा है, उनका उनका कविताओं कविता को मैं धुन बनाया, उसमें मैंने अभी बोलूँगा नहीं, एक बहुत बड़ा हिट गाना मेरा पुराना, उसको मैंने रिक्रिएट किया था, मैं अभी सस्पेंस रख रहा हूँ, क्लाइमेक्स पर वही गाना डाला। दादा आपको यूजुअली म्यूजिक कोई गाना रहता है तो आपको कितना बेटर राइटर मानो भाई, हिंदी वार अनजान मजरू सुल्तानपुरी आनंद बख्शी सभी तो काम कर चुका है, शैली शैलेंद्र गौहर गानपुरी, बट टाइम नहीं लगता। अब एक लाइन बोलो मैं गाना गा देता हूँ। दादा आपका इंस्पिरेशन कौन? My father, my father, they are from the musical genius from Kolkata, classical, Lata Mangeshkar ji se gana gaya, Mangala, super hit song. So bas inspiration mera blood mein khoon mein hai, mera sangeet, zindagi mera gana, main isi ka deewana, sangeet ka hi mera. तो दादा जब गानों की बात आती है तो जैसे मूवी का टैगलाइन है दो पल प्यार के, तो प्यार शब्द आपके लिए क्या है? प्यार ही तो सब कुछ है, प्यार इज अ गॉड, एक एक मदर टेरेसा का लाइन है, जो लव लव में ही भगवान है, लव इज अ गॉड, गॉड इज अ लव, अगर प्यार जो है प्यार छोड़ के कहीं नहीं। आज देखो मेरा गाना था दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे पपीता को प्यार दे, तो प्यार से ही प्यार हो गया, आज पूरा पब्लिक हमको प्यार करते हैं, बिल्कुल मैं इतना साल 45 ईयर से काम कर रहा हूँ, अगर शो में जाता हूँ 2000 आदमी झूमते हैं, बॉम्बे में शो था परसों, पागल हो गया। तो अभी क्या है देखिए, अभी तो नया सिंगर तो काफ़ी गाना हिट है, लेकिन मेरा गाने में क्यों ऐसे देख रहे थे पब्लिक बैठ नहीं सकता, तो पब्लिक को अच्छा लगता है, चाहे सॉफ्ट गाना बोलिए, माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी, वो भी है अभी तम्मा तम्मा भी है, उलाला उलाला भी है, तो पब्लिक को देख, उससे सबसे बड़ी चीज है गॉड जो है पब्लिक का अंदर है, मेरा जिस दिन जब तक पब्लिक प्यार करेगा। दादा अगर आपके ऊपर बायोपिक बनी तो आपको क्या लगता है कौन सा एक्टर आपका रोल प्ले कर सकता है? बात का वादा भी टाइम है। सब अच्छा है, मेरा बायोग्राफी जो है दिलीप कुमार देवानंद टू वरुण धवन रणवीर सिंह, मैं म्यूजिक गाना दिया, तो
मैं क्या बोलूँ, सब हम मेरे लिए अच्छे, एवरीबडी सुपर स्टार, एवरीबडी टैलेंटेड, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र से लेके शाहरुख, सलमान, आमिर, सब टेरिफिक टैलेंट, सब मेरा फेवरेट। आज ही धड़क का ट्रेलर लॉन्च हुआ, आपने क्या वो ट्रेलर? आज रात कल आपको आपने देखा? अच्छा वो मतलब श्रीदेवी का बेटी, श्रीदेवी she came for Bappi Lahiri songs, not only one song, one picture. लेकिन जितेंद्र जी भी मेरा शो में बोला, 16 साल का बाद 2 साल काम नहीं था, हिम्मतौला आया, श्रीदेवी स्टार बन गया। और हिम्मतौला का गाना तो आपको मालूम है, नए नए में सब था, मैं देख रहे थे पिक्चर में क्या क्या खूबसूरत लड़की होता है, तो क्या डांस अच्छे करती है, तो उधर से जो शुरू हुआ हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली, यशी चौधरी, मकसद, पता नहीं क्या था, 11 पिक्चर। मेरा हिसाब से उनका बेटी जो है जानवी, जो वेरी देखो सीधे भी क्या बेटी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, करिश्मा तो होगा ही, देखा भी बहुत अच्छा, मैं देखा पोस्टर, देखा ऑल द बेस्ट फॉर द पिक्चर। दादा जाते जाते क्या कहना चाहोगे इस मूवी के लिए? देखते रहिए आप लोग और सुनते रहिए, अभी गाना आ रहा है, आज तो पोस्टर लॉन्च हुआ। दो पल प्यार के, दो पल प्यार के।